ओम शांति। जड़ी बूटी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नेचर थेरेपिस्ट आज आपके लिए एक अद्भुत जड़ी बूटी लेकर आया हूं और इसका नाम है अश्वगंधा का पौधा। ये है अश्वगंधा का पौधा। इसकी पहचान बताऊंगा, गुण धर्म और किन किन रोगों में स्पेशली इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले देख लें, ये अश्वगंधा का पौधा एक तो साइनिंग लीवे होता है पत्ता, और ये एक खुरदरा जो होता है, मेरे पास ये खुरदरा है, इसका पत्ता पतला होता है। दूसरा जो पौधा होता है वो उस पर काफ़ी साइनिंग होती है थोड़ी सी, और इस हल्का सा पत्ता इसका मोटा होता है। तो इसका जो है आपको पत्ता भी यूज कर सकते हैं और इसकी जड़ के पाउडर भी काफ़ी मात्रा में यूज किया जाता है। अश्वगंधा इसको क्यों कहा जाता है? तो अश्वगंधा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ों में से कच्ची जो जड़ें होती हैं या फिर पत्ते को अगर आप मसल के सूंघते हैं तो घोड़े जैसी इसमें गंध आती है। इसका जो चाइनीज जो एक जिनसंग जड़ी बूटी है जिनको पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये उससे भी अच्छी बड़ी चीज़ है, तो बहुत अच्छी है। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किन किन रोगों में लाभ करती है और क्या क्या इसके कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये अगर आप इसका प्रयोग करते हैं कच्चे रूप में तो ये मोटे को पतला करती है, और अगर आप ड्राई फॉर्म में इसको यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म में आप इसको यूज करते हैं, तो ये आप जो भी पतले हैं, दुबलापन है या मोटा होना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। एक ही औषधि दोनों चीज़ों को ये ठीक करती है। तो जो पतले होना चाहते हैं, मोटापे से परेशान हैं, वो 3 से 4 पत्ते आप हर रोज़ सुबह दोपहर शाम खाली पेट इसका सेवन करें और ऊपर से पानी पी जाएं। इसके साथ साथ योग अभ्यास करें, लो कैलोरी डाइट खाएंगे तो आपको 15 से 20 दिन में ही मोटापा कम होने लगेगा, एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम होगा। दूसरा, जो पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं, वो एक एक चम्मच पाउडर आप सुबह शाम अगर आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो आप मोटापा उससे बढ़ता है। दूसरा, इसका जो प्रयोग है वो महिलाओं के लिए है क्योंकि ये हार्मोन्स को जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उन बहुत अच्छी औषधि है। तो एक चम्मच पाउडर सुबह शाम लेते हैं तो जिनको भी थायराइड की वजह से जो बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो उनको शक्ति देता है, मोटापा भी कम करे, मोटापा मोटा भी करेगा, और दूसरा साथ साथ हार्मोन थायराइड को भी ये ठीक करेगा। तीसरा, इसका जो प्रयोग है वो ये हार्ट डिजीज, एंजाइना पेन, आपका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम में ये बहुत ही परम औषधि है। तो ये हार्ट डिजीज ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें आप पाउडर फॉर्म में इसको आप यूज कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग है स्पेशली जितने भी ब्रेन के टॉनिक बनते हैं आयुर्वेद में, ब्रेन से संबंधित जितने भी औषधि तैयार की जाती हैं उनमें स्पेशली अश्वगंधा को यूज किया जाता है। ये रसायन है आयुर्वेद में, तो इसलिए इसका जो है जितने भी, यानी कंसंट्रेशन के लिए है, मेमोरी पावर के लिए है, वो चीज़ तैयार की जाती है, तो स्पेशली इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। अगला इसका प्रयोग है, ये जोड़ों में दर्द हो या सूजन हो उसको कम करता है। तो ये क्या करना है, इसमें आपने पत्तों को पानी में उबालकर साथ में सेंधा नमक या फिटकरी डालकर आप अपने ज्वाइंट्स की अगर आप या कहीं चोट लग जाती है तो उसकी आप इसे गरम गरम पानी से सेक लगाते हैं तो उसमें भी इसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका एक और प्रयोग है, ये अस्थमा है या कोल्ड कफ है, खांसी जुखाम हो जाता है उसमें भी इसका बड़ा प्रयोग किया गया है। इसके लिए इसके जो है तुलसी है, मुलैया, अगर आप काढ़ा बना कर लेते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कोरोना में कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये मतलब सबसे बढ़िया है। इसमें एक एक चम्मच या कैप्सूल के रूप में भी यूज करते हैं, इसका पाउडर के रूप में भी, और सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाएगा। इसके अलावा फीमेल में अगर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है, और सुबह शाम इसका अश्वगंधा रिस्ट भी आता है तो पाउडर भी ले सकते हो, और वो अश्वगंधा रिस्ट को भी आप सुबह शाम
खाना खाने के बाद 3 से 4 चम्मच आप लेते हैं तो वो प्रॉब्लम भी इसके करने से आपकी ठीक हो जाए। इसके अलावा ये डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उस वीकनेस को भी दूर करने के लिए अश्वगंधा बहुत लाभकारी है। तो उसमें भी आप अश्वगंधा के पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बहुत और भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, तो स्पेशली इसको देखिए, इसको कहीं भी पर भी आप लगा सकते हो, गमले में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, इस पे लाल कलर के हल्के से उसके बीज आता है और उसमें से फिर बहुत सारे बीज निकलते हैं। एक बार आपने कहीं लगा दिया तो ये फिर ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये मैंने अभी लगाया था और अभी इसको दूसरे पॉट, बड़े पॉट में इसको प्लांट कर देंगे। तो इस तरह से आप जो वेद की जड़ी बूटियां हैं उनको आप लगाकर आप लाभ ले सकते हैं। और मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। ओम शांति। थैंक यू।